तुरंत बताना चाहिए था आपने। ठीक है, याद करिए बेटा इन चारों आइडेंटिटीज को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, 4m+5n, 4m+5n का होल स्क्वायर प्लस 5m+4n का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है, आइडेंटिटी 1 यूज होने वाली है ना, है कि नहीं, यस और नो? सर, फोर एम होल स्क्वायर है ना, सर, ए इज 4m, बी इज 5n, तो 4m का होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 4m इंटू सेकेंड टर्म दैट इज 5n प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। ये तो हुआ आपका इसका एक्सपेंशन पहले वाले का। ओके अच्छा, प्लस अब इसका एक्सपेंशन करिए तो ये हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर, इसके पहले टर्म का होल स्क्वायर है ना, प्लस 2 इंटू पहला टर्म, ठीक है ए है ना, 5m इंटू 4n, ठीक, प्लस 4n का होल स्क्वायर सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 16m² प्लस 40mn, देखिए 5 को 22 है 40, प्लस 5n का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25n² प्लस 25m², ये 25m² प्लस 40mn प्लस 4n का होल स्क्वायर मीन 16n², आप लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। देखिए 16m² और 25m² ऐड करिए कितना हो जाएगा, 41m² प्लस mn वाला टर्म यहाँ है, mn वाला टर्म यहाँ है, दोनों ऐड होंगे पॉजिटिव है, तो 80mn प्लस 25n² और 16n² दोनों लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगे तो 41n², ठीक हो गया। ठीक है, हमेशा आप आइडेंटिटी कौन सी यूज होने वाली उसको लिख लेंगे राइट हैंड साइड में, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने आइडेंटिटी को लिख लिया, ये आइडेंटिटी थी, ठीक हो गया, क्लियर है बेटा सभी को? द वॉइस इज नॉट ऑडिबल से लाउडली। ओके नाउ 2.5p माइनस 1.5q, दिस होल स्क्वायर इज देयर राइट, माइनस 1.5p एंड इट इज माइनस 2.5q, इट्स होल स्क्वायर। रिमेम्बर यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहां पर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही है ना, तो मैंने राइट हैंड साइड में जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है वो यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यूजिंग ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, क्लियर? तो सिमिलरली यार जब आप सॉल्व करेंगे, हाँ माइनस साइन है बेटा याद रखिए, तो आप बड़े से ब्रैकेट में इसका एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, पहले हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ए माइनस बी दैट इज 1.5 q, तो ए स्क्वायर 2.5 p होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.5 p इंटू 1.5 q प्लस 1.5 q होल स्क्वायर, ये है इसका एक्सपेंशन केवल, ठीक है। माइनस साइन है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा और 1.5 p माइनस 2.5 q होल स्क्वायर को एक्सपेंड करूंगा इस आइडेंटिटी से, तो ये हो जाएगा 1.5 p होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.5 p इंटू 2.5 q प्लस 2.5 q होल स्क्वायर, ठीक हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 25 का होल स्क्वायर होता है 625, तो 2.5 का हो जाएगा 6.25, तो 6.25 पी का होल स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया, तो 2.5 पी होल स्क्वायर मीन्स 2.5 पी इंटू 2.5 पी, तो
625 पी स्क्वायर आया, माइनस इसको आप सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। आप यहां पर देखिए 2 इंटू 2.5 है ना, 2 इंटू 25 इज 50, एक ऐसे मिले तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 2 इंटू मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए 2 इंटू 2.5 हो जाएगा 5.0 है ना, तो 5 के दिया, तो 5 इंटू 1.5 पी हो गया 7.5 पी क्यू, 75, ओके 5 इंटू दिस प्लस ये हो गया 2.25 क्यू स्क्वायर। अब आप देखिए माइनस साइन है, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, 2.25 पी स्क्वायर है, यहाँ पर पी है देखिए, फिर ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आया 7.5 पी क्यू, माइनस हो जाएगा माइनस इंटू प्लस, ये वाला प्लस साइन और ये वाला माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया 6.25 क्यू स्क्वायर है, देखिए ध्यान से देखिए। तो अब आप देखिए कहीं पर लाइक टर्म्स अपोजिट साइन वाले दिख रहे होंगे आपको, माइनस 7.5 पी क्यू और प्लस का 7.5 पी क्यू कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, ये बचा 6.25 पी स्क्वायर माइनस 2.25 पी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। 6.25 में से 2.25 सब्ट्रैक्ट करिए, 4 आया है, ठीक है, 4 पी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए 2.25 माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर है, तो ये माइनस का 4 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए माइंड में आपके, जहां पी है तो वो पी ही रहेगा, ठीक है, ओके। यस सर। सिक्स्थ वन इज देयर, ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर। आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू दोज हु हैव नॉट मार्क द अटेंडेंस, यू प्लीज मार्क अटेंडेंस जस्ट बाय पुटिंग योर नेम इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स पे अपना नाम, जो अभी 2-3 बच्चे क्लास ज्वाइन हुए हैं, लेट ज्वाइन हुए हैं, तो अपना नाम चैट बॉक्स पे अवश्य डालें, और कोई एक स्टूडेंट जो है, देखें कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आ चुके हैं, एक बार देख लीजिए बेटा कितने मेंबर्स हो रहे हैं, ओके। नाउ यू कैन सी ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी, तो ए बी स्क्वायर सी है ना, तो यहाँ पर तो आपकी आइडेंटिटी आ गई कि x प्लस वाई होल स्क्वायर वाली, स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर देखिए ab प्लस bc का होल स्क्वायर, तो ये आपका x है, ये आपका y है, ओके। तो x प्लस y का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर मींस ab का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। गलती से भी ऐसा मत लिखिए, ab स्क्वायर नहीं लिखेंगे बेटा यहां पे, है ना, ये पूरा लिखना होगा आपको, ab इस पूरे का स्क्वायर लिखना होगा बेटा, ठीक हो गया, ए बी का होल स्क्वायर लिखना होगा आपने, ठीक है। तो ए बी का होल स्क्वायर, अच्छा, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह ए बी इंटू वाई की जगह बी सी प्लस वाई स्क्वायर, तो बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी। अच्छा आप मुझे मुझे कोई बताएं ए बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर सिंपलीफाई करें, 2 इंटू अब देखिए ए बी इंटू बी बी स्क्वायर हो गया और सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी, तो प्लस 2 ए बी स्क्वायर सी और माइनस का 2 ए बी स्क्वायर सी गेट कैंसिल्ड विद ईच अदर, सो द आंसर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक हो गया। आप याद रखिए कि फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, सेकंड टर्म क्या है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि अगर मैं आइडेंटिटी, सबसे पहले मैं जानूं कि मुझे कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, उस आइडेंटिटी को मैंने पहले राइट हैंड साइड पे लिख लिया, तो ऐसा करने से क्या होता है, तो मुझे कैसे पता लगा कि ये पहली ही आइडेंटिटी है,
तो मुझे ऐसे पता लगा कि मैंने ये देखा कि ये दो टर्म्स हैं ए बी और बी सी, उनको ऐड किया है, उस पूरे का होल स्क्वायर किया है, तो ऐसा केवल आइडेंटिटी वन में होता है। तो मैंने वो आइडेंटिटी पहले लिख ली। अब आइडेंटिटी लिखने के बाद मैं आसानी से कंपेयर कर सकता हूँ यहाँ पे कि x की जगह पर ए बी लिखा हुआ है और y की जगह पर बी सी लिखा हुआ है, प्लस की जगह प्लस है। ओके, तो अब ये फॉर्मूले में वैनिश पुट करते चलिए, ठीक हो गया। या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है फॉर्मूला याद करने का तरीका, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं वो आइडेंटिटी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले उस आइडेंटिटी को लिखें तो आपका सॉल्यूशन कभी भी गलत नहीं होगा, बशर्ते क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी हो वहां पे, ठीक है। अच्छा, देन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम इट्स होल स्क्वायर प्लस टू एम क्यूब एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो टर्म्स हैं एम स्क्वायर और एन स्क्वायर एम, इनका डिफरेंस है उस पूरे का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स कौन सी आइडेंटिटी है ये बताइए, बताइए मुझे क्या है आइडेंटिटी सेकंड, क्या है नहीं बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ पर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का डिफरेंस देखो ना बेटा, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस देखो बेटा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप यहाँ पर देखो ना, ये ए, ये पूरा ए टर्म, ओके, ये ए और ये आपका बी, उस पूरे का होल स्क्वायर है, दो का डिफरेंस का होल स्क्वायर है। ये क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर है, बल्कि ये यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इस पूरे का होल स्क्वायर है, अंतर है बेटा, इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था क्योंकि इससे मुझे जानकारी मिलेगी, आपको ये बात समझ में नहीं आई है, आप इस बात को समझिए बेटा, यहाँ पर जो फॉर्म है ना बेटा, ठीक है, यहाँ पर जो फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर खाली एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर नहीं है, एन स्क्वायर के साथ एम भी है, तो ये वाला फॉर्म तो नहीं आ रहा है। आप यहाँ देखिए दो टर्म्स है, उनका डिफरेंस है उस पूरे का होल स्क्वायर किया हुआ है ना, बल्कि ये चीज क्या है, ये अलग चीज है, ये तो क्या है, पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, और ये क्या है, पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म इस पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है, इस डिफरेंस को जानिए बच्चों, यही तो सबसे बेसिक गलती हम करते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर ए की जगह आपके पास है एम स्क्वायर, बी की जगह है एन स्क्वायर एम, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एम टू ए बी, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म दैट इज एन स्क्वायर एम बी की जगह एन स्क्वायर एम है, तो एन स्क्वायर एम इस पूरे का होल स्क्वायर, तो एम स्क्वायर का स्क्वायर हो गया एम टू द पावर फोर, ठीक है, ये टर्म ऐसे यहाँ लिखा। अच्छा, तो यहाँ पर आ गया टू एम क्यूब एन स्क्वायर, देखिए आप यहाँ एम स्क्वायर और एम को मल्टीप्लाई करके एम क्यूब हो गया, ठीक है। अब आप देखिए एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर क्या है, एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर का मतलब हुआ एन स्क्वायर एम इंटू एन स्क्वायर एम, है ना, तो क्या हो जाएगा एन टू द पावर फोर एम स्क्वायर, तो एन टू द पावर फोर एम स्क्वायर इसका होल स्क्वायर है, दोनों की पावर डबल हो गई, ऐसे समझ लीजिए होल स्क्वायर है तो पावर डबल हो गई दोनों की, एन स्क्वायर टू का टू प्लस टू फोर और एम स्क्वायर, ठीक है, पावर पावर है ना, ठीक है, प्लस टू एम क्यू एन स्क्वायर, तो टू एम क्यू एन स्क्वायर तो भैया कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। तो आंसर इज दिस एम टू द पावर फोर माइनस एम टू द पावर फोर एम स्क्वायर, दिस इज व्हाट आवर क्वेश्चन इज सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं बच्चों, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड अवर क्लास, लेट अस सी, 25 स्टूडेंट्स, ओके, देन शो दैट पहला पार्ट है इसका 3x plus 7 होल स्क्वायर
माइनस 84x इज इक्वल टू 3x माइनस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिए, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिए तो सॉल्व करके राइट हैंड साइड वाला आ जाएगा 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x। ठीक है, अब आप देखिए 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर मीन्स इसको x वाई अगर हम करें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो एक्सपांड करिए इसको, ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x। ओके, तो देखिए मैं चेंज नहीं कर रहा इसको, ऐसे रहने दे रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ऐसे छोड़ दे रहा हूँ स्क्वायर वाले टर्म को। ठीक है, प्लस यहाँ पर आया 42x प्लस 49 माइनस, इसको भी 49 मत लिखिए, इसको भी 7 का स्क्वायर ही रहने दीजिए, माइनस 84x। तो आप ध्यान से देखें 3x का होल स्क्वायर 42x माइनस 84x हो गया माइनस का 42x प्लस 7 स्क्वायर। अब मैंने फिर से क्या किया, 3x का होल स्क्वायर माइनस फिर से लिख दिया 42 को 2 इंटू 3 इंटू 7 करके 3 इंटू x इंटू 7 3x इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर। क्या किया मैंने, देखिए ये 42x आया इसको सॉल्व करके, है ना, इसको मैंने सॉल्व कर लिया और 42x और माइनस 84x को सॉल्व करके आ गया माइनस का 42x। तो फिर से मैंने 42x को इसी तरह से लिख दिया, फिर से इसी तरह से लिख दिया, है ना। तो आप देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म का है ये, तो ये किसके इक्वल है, a माइनस b के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपका a हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, कंपेयर करिए दोनों को आप, है ना, तो इज इक्वल टू आर एच एस, हो गया प्रूव, हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और राइट हैंड साइड वाली चीज मिल गई। ठीक हो गया, तो आप लिखेंगे देयरफॉर ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या करिए, राइट हैंड साइड को भी अलग से सॉल्व कर लीजिए, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही आएगा, यहाँ तक है ना, यहाँ तक सॉल्व होगा लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड वाले को अलग से सॉल्व करिए तो ऐसा ही सॉल्व करके आ जाएगा, तो बेटर हम एक ही में सब कर लें। ठीक है, कर पाएंगे बेटा आप इस क्वेश्चन को, देन सी द सेकंड पार्ट, देन सेकंड पार्ट इज 90 माइनस 5 क्यू। निखिल कुमार आर यू देयर इन द क्लास, निखिल कुमार प्लीज आंसर मी, आर यू देयर इन द क्लास निखिल कुमार, निखिल कुमार आर यू देयर इन द क्लास, निखिल कुमार इफ ही इज देयर इन द क्लास प्लीज रिस्पॉन्ड। तो 90 माइनस 5 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 180 पी, ओके ठीक है, ठीक है, प्लस 180 पी यू इज इक्वल टू 9 पी, क्या है बेटा, और ये तो बेटा क्या है, 9 पी प्लस 5 क्यू का होल स्क्वायर है, यस बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, 9p माइनस 5q होल स्क्वायर प्लस 180p। ठीक है, तो आप इसको एक्सपेंड करिए, तो बताइए एक्सपेंड करके क्या आएगा,
इसी आइडेंटिटी जो यूज होगी यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 9p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9p। जब मैं कुछ पूछ रहा हूं तो कोई बताने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, कोशिश तो करो। आइडेंटिटी कब तक याद नहीं हुई, आज चौथा दिन है इस आइडेंटिटीज का, है ना, याद करिए बेटा। अच्छा अब रख दिए, ये एक्सपेंशन समझ में आया ना, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना, यस और नो। हाँ तो 9p का होल स्क्वायर बताओ फिर आप क्या होता है। सर, एटी वन 81 स्क्वायर पी स्क्वायर, शाबाश। फिर यहां पर देखिए माइनस, इनको इनको मल्टीप्लाई करके क्या आया, देखिए कितना आया, ये सोचो सर कितना आया, 18,090 पीके, 18,090, ठीक है ना, ओके। प्लस 25 क्यू स्क्वायर प्लस 180 पी क्यू, ये हो गया 81 पी स्क्वायर माइनस 90 पी क्यू, प्लस का 180 पी क्यू हो गया, प्लस का 90 पी क्यू प्लस 25 क्यू स्क्वायर। फिर आप राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर लीजिए। देखिए मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आप मुझे खुद बताएंगे कि कौन से में ज्यादा टाइम लगा, ठीक है। तो 9p का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9p इंटू 5q प्लस 5q का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगे आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्म है ये, ओके। तो सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 81p स्क्वायर प्लस 90pq प्लस 25q स्क्वायर, तो कहेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। आप देखिए LHS की वैल्यू भी यही आई थी सॉल्व करके, यही RHS की भी आई, तो लिखेंगे सो 9p माइनस 5q होल स्क्वायर प्लस 180pq इज इक्वल टू 9p प्लस 5q होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कौन सा तरीका ज्यादा बेटर था, पहला वाला या दूसरा वाला, दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे ही थे, है सर ना। अब आप देखिए दूसरे वाले में हम क्या करते, दूसरे वाले में अगर दूसरा तरीका हम अपना रहे होते तो मैं ऐसा कर रहा होता कि मैं इसको ओपन ही नहीं करता, इसको ऐसे ही छोड़ देता, फिर मैं यहाँ पर लिखता कि माइनस 90 पी क्यू आया था, इसको तो कर लेता सॉल्व, बाकी इनको ऐसे ही छोड़ देता, ठीक है। तो 9p होल स्क्वायर प्लस 90 पी क्यू हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करिए, इन दोनों को, है ना, प्लस 5q होल स्क्वायर। अब इसके बाद मैं अगली लाइन में क्या कर दूंगा कि इसको मैं ब्रेक कर दूंगा 2ab टाइप में, 2xy टाइप में, 2 इंटू एक्स की जगह 9p है, एक्स की जगह 9b है, वाई की जगह 5q है, तो लिख दिया मैंने ऐसे 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2 ना जाए अगली बार, अगेन ये 90 पी क्यू ही है, ठीक है। और डायरेक्टली ये क्या हो रहा था, सीधा वैल्यू देता है यहाँ पे 90 प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू RHS, है ना, ठीक है। जो तरीका आपको एप्रोप्रिएट लगेगा बेटा आप उसे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे दोनों कर सकते हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन होगा उसको देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में सिचुएशन ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, सॉल्यूशन करके राइट हैंड साइड आ जाएगी, 4/3m माइनस 3/4n इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2mn, ये इक्वल टू आपने प्रूव करना है 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर, ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करिए, आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करिए, 4/3m माइनस 3/4n होल स्क्वायर प्लस 2mn, ऐसा दिया है, ठीक है। स्क्रीन लेट तो नहीं आ रही है बेटा, स्क्रीन स्क्रीन में लिखा हुआ लेट तो नहीं आ रहा है,
यस बेटा, स्क्रीन में लेट तो लिखा नहीं आ रहा है, लेट लिखा हुआ तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो 4/3m माइनस 3/4n का होल स्क्वायर, तो कौन सी आइडेंटिटी है, x माइनस y के होल स्क्वायर टाइप की है ना, ये सब नो, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया, नहीं नहीं ऐसी तो नहीं है कहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस फॉर्म की तो नहीं है, यस और नो, तो इस फॉर्म की तो डेफिनेटली नहीं है बेटा, ठीक है। ये दो टर्म्स हैं एक्स और वाई, उनका डिफरेंस उस पूरे का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, क्लियर है बेटा, ये डिफरेंस समझ में रखना, आप अपने दिमाग में रखना, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। निखिल कुमार, यस सर, निखिल कुमार, ओके, इनटू 3/4n है ना, 2ab, ठीक है। अब उसके बाद, अब आप देखिए उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस 2mm, ठीक है ना बेटा, हाँ, तो यू विल गेट 16/9m² ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएगा 16/9m² प्लस 9/16n² इक्वल टू आरएचएस, ये तो चाहिए था आरएचएस में हमको, है ना, इस तरह से करिए बेटा,